आखिर तुम पढ़ते क्यों हो, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने जीवन में सफल इंसान बन जाओगे। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक मारकर चैनल छोड़कर चले जाना। हाँ, और वीडियो दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। जब हम सब कक्षा प्रथम से लेकर द्वादश में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम सब का पढ़ाई का मतलब परीक्षा में अच्छा अंक पाना होता है, और तो और हमारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। लेकिन जब तक हम सब का मकसद अंक पाना होगा, तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं बन सकते। हम सब पढ़ाई करने के बाद नौकरी के तलाश में लग जाते हैं। एक कथन है, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक संसार में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। यह कथन काफ़ी हद तक सही है। पढ़ाई का मकसद केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। शिक्षा विकास के लिए आवश्यक है। परीक्षा में गिने चुने प्रश्न को पढ़कर अच्छा अंक ले आना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक किताबों को पढ़कर दुनिया को समझना ही नहीं बल्कि दुनिया को बदलना भी होना चाहिए। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, सभी ने अपने जीवन में अधिक से अधिक किताबों का अध्ययन किया है।